रेव पार्टी में सांप के जहर सप्लाई के मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर एल्विश यादव के केस की जांच चल रही है। इस मामले में रोज नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। एल्विश पर लगी एक धारा में किया गया बदलाव। धारा 27A में पुलिस से कोर्ट ने मांगे और सबूत। पुलिस बताए धारा 27A किस आधार पर लगाई गई। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जांच में जुटी। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को बीते रविवार को गिरफ्तार किया था। वहीं हाल ही में सांपों के जहर सप्लाई केस में पुलिस ने एल्विश के दो साथी ईश्वर और विनय को भी गिरफ्तार किया है। अब ये पूरा मामला क्या है ये भी समझ लीजिए। पिछले साल 3 नवंबर को पुलिस ने नोएडा सेक्टर 51 स्थित एक बैंक्वे हॉल से छापेमारी कर 5 कोबरा समेत 9 सांपों को बचाया था। एल्विश यादव ने इस हॉल में चल रही पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई किया था। फॉरेंसिक टीम ने इसकी पुष्टि की थी। पुलिस ने एल्विश और 6 अन्य लोगों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और IPC की धारा 129A के तहत केस दर्ज किया था। पहले भी एल्विश से पूछताछ की गई थी लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। 3 नवंबर को बरामद किए गए सांपों में वेनम ग्लैंड्स नहीं थी जिनमें जहर होता है। पुलिस को आरोपियों के पास से 20 ml सांप का जहर भी मिला था। पीपल फॉर एनिमल्स ने सांप के जहर वाली रेप पार्टी का खुलासा किया था। यूट्यूबर एल्विश यादव के मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। दरअसल नोएडा पुलिस की ओर से जो सेक्शन एल्विश यादव की ओर लगाए गए थे उनमें से एक सेक्शन में बदलाव किया गया है। वहीं पेशी के दौरान अदालत ने पुलिस से पूछा है कि आखिर NDPS की धारा 27 और 27A किस आधार पर लगाई गई है। इस मामले में नोएडा पुलिस अभी और सबूत इकट्ठे कर रही है। देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में एल्विश यादव को राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें और बढ़ती नजर आती हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि एल्विश यादव मामले में और क्या मोड़ आते हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।